अस्सलामुअलैकुम, मैं न्यूज के साथ मैं हूँ अलिशबा परवेज। बुलेटिन में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद उल अज़हा भरपूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने अहले खाना के साथ रायबंद। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर। चेयरमैन सेनेट रजा रबानी और गवर्नर सिंध ने जना ग्राउंड कराची, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गरी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहीम शरीफ का बाजौर एजेंसी का दौरा। कबायली अमायदीन और एफसी के जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने एजेंसी में जारी ऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट का जायजा भी लिया। कहते हैं कि पाक फौज इलाके में मुकम्मल क़याम अम तक वापस नहीं जाएगी। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल शुरू। फर्जंदान इस्लाम अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करके हजरत इब्राहिम और आपके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद ताज़ा कर रहे हैं। कुर्बानी के साथ चटपटे खानों की तैयारी। किसी को पसंद है बिरयानी तो कोई बनाएगा सीख कबाब। बोलिए आप क्या खाएंगे जनाब। नाम निहाद जमहूरियत की दावेदार भारत सरकार के कश्मीरियों पर जुल्म और जबर का सिलसिला ईद पर भी ना रुक सका। आजादी मार्च के निहत्ते शुरका पर काबिज फौज की फायरिंग से नौजवान शहीद। दर्जनों अफराद शदीद जख्मी हो गए। कश्मीरी ईद भी कर्फ्यू के साए में मनाने पर मजबूर। सदर ममनून हुसैन और वजीर आजम नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा को कश्मीरी आवाम के नाम करते हुए उनकी जदोजहद आजादी को भरपूर सलाम पेश किया। और शिकारपुर की तहसील खानपुर में खुदकुश धमाके में दो पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी, एक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अस्पताल में जख्मियों की आयादत। कहते हैं कि आवाम सुकून से ईद मनाए, सिक्योरिटी हम देंगे। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए कराची मुंतकिल करने की हिदायत।